नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को धनु राशि का अगस्त 2022 का राशिफल बताता हूँ। ये राशिफल 1 अगस्त से लेकर 16-17 अगस्त तक और 16-17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दो भाग में एक ही वीडियो में बताया जाएगा। अब बात आता है कि धनु राशि का राशि अधिपति देव गुरु बृहस्पति वो फोर्थ हाउस में स्वराशि में मीन में बैठे हैं, तो जलीय तत्व राशि है, भावुकता वृद्धि पाएगा, वो आप जल्दी ही लोगों पे भरोसा कर बैठोगे, ये मत क्या करो। फोर्थ हाउस से वो टेंथ हाउस को देखेगा, आपका जितने भी कर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो अभी दूर कर देंगे। एट्थ हाउस को देख रहे हैं, आप जितने भी डेप्थ नॉलेज में जाना चाहते हो, डेप्थ रिसर्च में ध्यान लगाना चाहते हो, उसमें भी बढ़ोतरी करेगा। और ट्वेल्थ हाउस जो धर्म का जगह है, आपका जो शय्या सुख का जगह है, विदेश जाने का मामला है, उन सारे चीज़ों को लेकर अगर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, वो सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा। बाकी रह जाता है कि 11th हाउस में केतु का पोजीशन और 5th हाउस में राहु का पोजीशन। प्यार संबंध में प्रॉब्लम्स आपको बहुत आएगा, आप बात भूल जाओगे, आप अपने गार्जियन से संबंध खराब हो सकता है। बाकी रह जाता है आपका जो मेन योग का रखे सूर्या, वो 8th हाउस में जाके अभी बैठे हैं। 16-17 अगस्त तक वो 9th हाउस में स्वराशि में गोचर करेंगे, तब आपका भाग्य में वृद्धि होगा, आपका जितने भी सारे विदेश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स था वो कम हो जाएगा, सरकारी सहायता जितना कम मिल रहा था वो कम हो जाएगा, वो सरकारी सहायता मिलना शुरू हो जाएगा, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा। आपका 7th हाउस का लॉर्ड बुध होता है और आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी बुध होता है, तो वो अभी 9th हाउस में बैठे हैं, वो 10th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो 9th हाउस में बैठे हैं तो ब्रेन थोड़ा बिजी रहेगा, पर आपका ये भी बहुत अच्छा होगा कि बुध आपका जो सप्तम अधिपति है उनके साथ थोड़ा अनबन जो है मैरिटल लाइफ में वो कम हो जाएगा, ठीक है। पर मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस इसलिए आएगा क्योंकि सप्तम अधिपति का नवम भाव में आने से डाइवोर्स तक मामला जा सकता है। बुध का गोचर अल्प समय के लिए होता है, तो उन सारे मामलों को टाल देना ही सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के गोचर जब हो जाएगा तब वो प्रॉब्लम वो अकेले ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि बुध को वो धीरे धीरे कॉम्बस भी करते जाएगा। बाकी रह जाता है शुक्र, जो आपके लिए 11th हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो 8th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। 8th हाउस का शुक्र उतना ख़राब नहीं होता है, पर सूर्य के साथ है तो थोड़ा बहुत पत्नियों के साथ संबंध अनबन होगा। यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड होते हैं, तो आप जितने भी व्यापार कर रहे थे वो सारे व्यापार इनकम थोड़ा गुप्त रूप से किया कीजिए, और भी वृद्धि पाएगा। शुक्र का अभी अभी गोचर हुआ है, 26-28 दिन तक रहेगा। जले तत्व राशि में गुरु और शुक्र दोनों ही बैठे हैं, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। गुरु का दृष्टि भी शुक्र पे आ गया है, तो ये सारे चीज़ जो लोग डीजे से रिलेटेड काम कर रहे थे ये बहुत अच्छा हो जाएगा उन लोगों के लिए। और मंगल का गोचर, मंगल आपका 5th हाउस का लॉर्ड होते हैं, वो 6th हाउस में चला जाएगा, तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 12th हाउस का लॉर्ड होके वो 6th हाउस में जाना है तो ये अच्छा है, पर 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाना, वो लव रिलेशनशिप, गार्जियन से रिलेटेड, आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इन सारे मामलों में थोड़ा प्रॉब्लम लाएगा। जो कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनमें थोड़ा स्ट्रगल आएगा, मार्क्स लाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इन सारे चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप शिव पूजा कीजिए, हल्दी केसर वाला दूध पिया कीजिए और गुरु को सम्मान कीजिए। आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान के पूजा कीजिए। बाकी रह जाता है आपका 2nd हाउस का लॉर्ड शनि, जो फिर 3rd हाउस में चले गए थे कुंभ में, फिर से वो 2nd हाउस में बकरी अतिचारी होके लौट के आए हैं, तो जितने भी रिलेटिव्स हैं उन लोगों के साथ संबंध थोड़ा बहुत ख़राब होगा, घर से दूर जाना पड़ सकता है, आपका जो इनकम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और आप बात को सोच समझ के बोला कीजिए, नहीं तो बात इतना कड़क हो जाएगा कि लोगों से दुश्मनी आ जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।